शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कल सुबह आ जाना, मैं तुझे नौकरी दिलवा दूंगी। पैर के नीचे क्या है? पैर के नीचे कुछ भी नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आप कैसी बातें कर रहे हैं कमिश्नर साहब? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आज आप बहुत जल्दी आ गए। वाह वाह आशा, आज तुम मुझे इंस्पेक्टर कह रही हो जब मैं इंस्पेक्टर नहीं रहा। क्या मतलब? कमिश्नर साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। अजय की कुर्सी तो खाली हो गई, हमारे रास्ते की एक दीवार हमेशा हमेशा के लिए हट गई। अरे मैं अपना क्रिकेट का बैट लेना तो भूल ही गया। किसी को कुछ भी याद नहीं रहता। अजय, सर जा रहे हो क्या? जी हाँ जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आप कैसी बातें कर रहे हैं कमिश्नर साहब, आपने तो अपनी ड्यूटी पूरी की है, लेकिन एक बात आपसे कह देना चाहता हूँ कि जो कुछ हुआ मैंने नहीं किया। मैं जानता हूँ अजय, और मुझे अफसोस है कि हमारा महकमा तुम जैसे पुलिस अफसर को खोकर के। प्लीज सर, अब इस बात को यही रहने दीजिए ना। आशा देखो कमिश्नर साहब आए हैं, मैं जरा सामान लेकर आता हूँ। अंकल, अजय की बात का बुरा मत मानिएगा, जैसे नींद खुल जाने से सपना टूट जाता है ना, वैसे वर्दी उतर जाने से अजय टूट गया है। गांव जाएंगे, हवा पानी बदलेगा, हो सकता है इच्छाएं भी बदल जाएं, नजरिया भी बदल जाएं। बेटे, अजय सोना है, और सोने की यही ट्रेजेडी है कि ना कभी वो रंग बदलता है और ना औकात। तुम उसे समझाने की। अच्छा बेटे मैं चलता हूँ, जब कभी यहाँ आओ मुझसे जरूर मिलना। अच्छा बेटे। तेजा, हमने तुम्हारे रास्ते के पत्थर को हमेशा के लिए हटा दिया, अब तुम आराम से काम करो। हा? कल सुबह मैं और रॉकी पहलगाम जा रहे हैं। इतनी जल्दी क्या है, दो चार दिन और रुक जाते। नहीं तेजा नहीं, तुम तो जानते हो कि पहलगाम का कसीनो नया नया खुला है, उसे संभालने के लिए हमारा जाना बहुत जरूरी है। आ गए आ गए आ गए आ गए। आओ बेटे आओ आओ आ जाओ आ जी कर बेटे जी पहले से रहो जीती रहो जल्दी उतरना। अली मेरी बच्ची हो गई गीता और भी कैसे हो गए। आओ आशा तुम लोग चलो, मैं भी आता हूं। पिताजी आप जरा इधर आइए, आपसे एक बात। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? बेटे सफर कैसा रहा? सफर बहुत अच्छा रहा। बेटे तुमने बहुत अच्छा किया तुम यहाँ आ गए, लेकिन अब जाने के बारे में मत सोचो। बिल्कुल देखो मेरा इतना बड़ा कारोबार है, मुझसे नहीं संभलता, मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना यार। आप बूढ़े नहीं हुए पिताजी, क्या बात करते हैं। अरे बाबा हो गया हूँ ना। नहीं डैडी आप बूढ़े नहीं हुए। बेटे यकीन मानो हो गया हूँ। जब मैं कहता हूँ आप बूढ़े नहीं हो तो आपने अपना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो कारोबार सारा तुम संभालो और घर की देखभाल मैं करूँ, ठीक है ना? ठीक है पिताजी, कारोबार भी संभालूंगा, लेकिन आपने आपको बूढ़ा कभी नहीं कहा पिताजी। बाबूजी आपने चीटिंग किया, साफ चीटिंग है। माँ देखो एकदम दो पत्ते लगे हैं वो। कहाँ बेटा, मैंने तो नहीं देखा। आप देखेंगे कैसे माँ जी, आपका चश्मा तो मेरे पास है। अरे हाँ अब देखती हूँ कौन कैसे चीटिंग करता है, अब मुझे सब ठीक नजर आ रहा है। आप पत्ता फेंकिए फेंकिए। अरे क्या फेंकू, ज्यादा है, परिवार बैठे हैं। बाबू जी मैं आपके साथ हूँ, जो पता लगता है उठा लीजिए। बेटे बाजी इतनी खराब है कि चिकटने से भी कुछ नहीं बनेगा। माँ देखा साफ चीटिंग हो रही है। तू फिक्र मत कर बेटे, हम दोनों मिल जाते हैं, शेर के लिए सवा शेर बन जाते हैं। ये रहा पत्ता, उठा उठा। पेट क्या बजा रहा, पत्ता उठा। पपलू आ गया बाबूजी, पपलू आ गया। चल 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 चल। ए तू कहाँ चली जी? ओ माँ,
में दर्द है। अरे क्या हुआ? पेट में दर्द है। डॉक्टर बुलाएं क्या? नहीं नहीं, मेरे पास है पुड़िया। पुड़िया बक्से में है। बक्से में? अच्छा, जा 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 जा, पुड़िया में जा। चल पत्ता फेंक, पत्ता फेंक, जल्दी करो, उसके पेट में दर्द है। पत्ता कहाँ फेंक रहा है? उसके पेट में बहुत दर्द है। दर्द है? हाँ। पुड़िया तो नहीं मिल रही है? अरे उधर बक्से में रखी है ना। बक्से में रखी है? वो बक्से में भी नहीं है। अजीब है ये भी, आजकल भूल जाती है चीज, आके भूल जाती है। मालूम नहीं पुड़िया कहाँ है। मैं एक मिनट में पुड़िया देके आता हूँ। हाँ जा, पुड़िया देखा। मामा जी आपके लिए मैं पुड़िया देके आता हूँ। इसकी याददाश्त बहुत कमजोर है। ये लोग तो गए, अब हम तुम खेल लेते हैं। चल पता चल। महीनों महीनों तक कुछ बोलती नहीं, उसके बाद भी अगर तुम लोग मेरे पैसे नहीं दोगे तो ढाबा कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। अरे कौन है बे? अरे अजय भाईजान। लूरन तेरे चिल्लाने के आदत अभी भी नहीं गई, छोटी थी तब भी चिल्लाती, अब भी चिल्ला रही है मुंह फाड़ के। क्या करूं भाईजान, चार साल की थी जब बाबा ने ढाबे पर लाकर बिठा दिया, तब से अब तक इन हरामखोरों की वजह से टेंशन ही टेंशन है। क्या है? टेंशन ही टेंशन है। अरे तू तो टेंशन अंग्रेजी बोलने लगी। अच्छा ये बता, तेरे ढाबे की दाल अभी वैसी बनती जैसे पहले बनती थी या कुछ पतली हो गई? क्या बात करते हो भाईजान, खाकर तो देखो उंगलियां चाटते रह जाओगे। ओ बल्ले, मेरे ख्याल से इन बेचारों को टेंशन क्यों दे, ढाबे तो चल के खाने हैं। हाँ, चल। ये लीजिए अनाथालय की। धन्यवाद। और ये लीजिए प्राइमरी स्कूल की। और किसी सेवा की आवश्यकता हो तो आगे कीजिए, सेवक हाजिर है। थैंक यू, थैंक यू चेयरमैन साहब। ओ दुर्गा प्रसाद जी, आओ भाग्य, आइए आइए। कैसे आना हुआ? नारी संस्था की मीटिंग में जा रहा था, सोचा तुम्हें अपने साथ लेता चलूं। मुझे? हाँ भाई, धर्म कर्म के मामले में इस इलाके में तुमसे बढ़कर और कौन है? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं चेयरमैन? मैं ठीक कह रहा हूँ, जितनी लगन और मेहनत से तुम इस काम को कर रहे हो, अगर ऐसी दो चार करने वाले और हो जाएं, तो हम सबका कल्याण हो जाए। हैं? और चलें। जैसी आज्ञा। ये लो चाय। अरे ओ गीता, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, इसे कहो मुझे हवा पढ़ने दे। अबे गीता के बच्चे। अरे कैसा रे? अच्छा, तू मोटा क्यों हो गया? मैं कहाँ मोटा हूँ? ये देख, ये कहाँ है, इधर कहाँ है? ए रोजी, कितने बचे हुए? एक भी नहीं। एक भी नहीं? तुमसे तो हम ही ठीक है। हाउ आर यू? फाइन। बैठिए बैठिए। ओके। हाँ बैठना जी। आप जानती हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ? जी नहीं, क्यों आए हैं आप? मैं आपकी मदद करने आया हूँ। मदद? जी हाँ। मतलब? मतलब ये कि आप सुबह शाम अजय की सूरत देख देख के बोर हो गए। घुंचो। सही बात है। करेक्ट ना? बिल्कुल। इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो तो। ऑब्जेक्शन? क्या कह रहे हैं आप, मैं तो बहुत खुश हूँ, ले जाइए ना। चलो। क्या हुआ? मेरे पेन हो रहा है डार्लिंग। पेन हो रहा है? सुनिए प्लीज, उनको डॉक्टर के पास ले जाइए ना, प्लीज। होम्योपैथिक? कोई भी। अच्छा, जाना कितने हुए? डॉक्टर के पास। हाँ चल यार, चल। दो दोस्त बहुत दिनों के बाद मिले हैं ना, मस्ती है मस्ती। क्या हो रहा है? ये गेम हो रहा है। गेम हो रही है? हाँ। पैर के नीचे क्या है? पैर के नीचे कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? नहीं। Thank you.
इसे यहां से उठाकर बाहर फेंक दो। तुम समझते क्यों नहीं? बंबई की बात और थी, लेकिन यहां अजय का बाप इस इलाके की बहुत बड़ी हस्ती है। वो पुलिस की मदद लेकर हमारे कारोबार को नुकसान पहुंचा सकता है। आपका मतलब यह है कि वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे आकर बर्बादी कर सकता है? गैर कानूनी दुनिया में आबाद रहने के लिए थोड़ी सी बर्बादी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, समझे? अपनी ताकत का सही वक्त पे इस्तेमाल करना सीखो, ताकि दुश्मन को तुम्हारी ताकत का अंदाजा हो। मुझे देख के तुमने अच्छा नहीं किया शंकर जी, इसे खत्म कर दो। सब बोलते क्यों नहीं? अल्बर्ट कहां है? कहां है अल्बर्ट? कहां है अल्बर्ट? कहां है बेटे? उसकी लाश नहीं, लोगों को नहीं छोड़ूंगा पिताजी, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा पिताजी। अल्बर्ट की मौत ने अजय के गुस्से की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। अस्पताल से निकलते ही वो साग से हमें और हमारी दुनिया को जलाने की कोशिश कर रहा है। वो वक्त कभी नहीं आएगा अंकल,
वो वक्त आ रहा है और बहुत तेजी से आ रहा है रॉकी, इसलिए एक ऐसा आदमी तलाश करो जो हिफाजत के लिए तुम्हारे पास चट्टान की तरह खड़ा रह सके। अरे चल रोटी जल्दी ला। अरे लाता हूँ भाई। लौंडा नया लगता है। अबे ओ, ये नूरा का ढाबा है ढाबा, कोई लकड़ी काटने का कारखाना नहीं, समझे? क्या खाओगे भाई? क्या है तुम्हारे पास? कीमा, कलेजी, रोगन जोश, चिकन मसाला, मटर। बस 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 बस, इतने में अपना काम चल जाएगा। सुनो, सब एक एक कटोरी ले आना। सब? अरे ओ भाईजान, एक दर्जन रोटियां भी। एक दर्जन रोटी अभी लाए सरकार। ऑर्डर तो ऐसे दिया जैसे बारात खाने वाली हो। लो भाई, एक दर्जन रोटी, कीमा, रोगन जोश, मटर पनीर, आलू गोभी और दाल। लगता है जन्म से भूखा है। आवाज सुनकर तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई कुत्ता खा रहा हो। अजान, जी रोटी और लाइए। जी अभी लाया। हाँ, मंजूरे खुदा। पंद्रह बोतल दारू, 40 रुपए।
वाह वाह, गांव और बिजली पहलवान के बाद तुम्हारा ही नाम होगा। क्या हाथ चलाया है, क्या पैर घुमाया है, वाह वाह क्या बात है। शुक्रिया। ए, किधर जा रहा है? घर। घर? ये धर्मशाला नहीं, नूरा का ढाबा है। ढाबा तोड़ फोड़ का हिसाब कौन देगा? जी सुनो जी, 2 कुर्सियां ₹15, 4 मेज ₹65, 10 गिलास ₹9, 8 बड़ी प्लेट, 10 छोटी प्लेट, 15 दारू की बाटली, सब मिलाकर ₹220, और ₹10.50 खाने के अलग। पैसे वैसे तो अपने पास नहीं है। देखो पहलवान, पैसे का काम तो पैसे से ही होगा, पहलवानी से नहीं, समझे? ठीक है, जब कोई काम मिल जाएगा आपकी पाई पाई चुका दूंगा। वाह वाह, दुनिया के सब बेकार लोग नूरा के पल्ले ही पड़ते हैं। ठीक है, कल सुबह आ जाना, मैं तुझे नौकरी दिलवा दूंगी, लेकिन इतना याद रखना कि सबसे पहले मेरा हिसाब चुकाना पड़ेगा, समझे?